तराना है उसको भी हमने लॉन्च किया, और जो लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं उन्होंने सुना भी होगा, उससे महसूस भी होंगे, और यकीनन हम सब ने उसको पसंद भी किया है। इसका सबूत यह है कि सुबह जब हमारा प्रोग्राम था तो उसमें तराने तराने की आवाज़ें मैं सुन रहा था, और आज ही मुझे मालूम हुआ, बल्कि मैंने देखा भी कि YouTube पे भी वो तराना लॉन्च हो गया है, और मुझे लोगों ने ऑलरेडी मुझे व्हाट्सएप पे उसको भेजना शुरू कर दिया है। तो उस तराने की मकबूलियत का ये आलम है कि दो दिन पहले वो लॉन्च हुआ है और यूट्यूब और व्हाट्सएप पे वो सारे देश में और मुल्क में दुनिया में घूम रहा है। तो मैं उसके लिए भी अपने मोहतरम वाइस चांसलर साहब का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं के ही इनिशिएटिव पे ये तराना हमने लॉन्च किया है। ख्वातीन हजरात, ड्रामा आप देखेंगे और यकीनन उससे महसूस होंगे कि टॉम ऑल्टर साहब का जो किरदार निभाने जा रहे हैं वो उस किरदार में पूरे डूब जाते हैं। टॉम ऑल्टर साहब ने मौलाना आज़ाद के ऊपर एक और ड्रामा किया हुआ है, उसमें भी उन्होंने मौलाना आज़ाद का किरदार अदा किया है, वो भी स्टेज से हो चुका है और उसके बहुत सारे शो हो चुके हैं, उसको मैंने दिल्ली में भी देखा है और दूसरे शहरों में भी देखा है, और आज ये दूसरा ड्रामा है जो मौलाना आज़ाद के कलम से है, और ये भी टॉम ऑल्टर साहब मौलाना आज़ाद का किरदार अदा कर रहे हैं। न सिर्फ शक्ल सूरत से आप देखेंगे, न सिर्फ शक्ल सूरत से बल्कि पूरे किरदार से, पूरे उनके जहब लहजे से लगेगा जैसे मौलाना आज़ाद हमारे बीच में और बोल रहे हैं। तो आप लोग यकीनन उसकी कदर करिएगा, सुनिएगा, और जिन दो किताबों पे ये मबनी है, गुबार खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम, ये पूरा ड्रामा जो है जिसका आपको बांटा गया होगा वो गुबार खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम पर है। मौलाना की जो तहरीर होती थी उसके बारे में कहा जाता है बहुत उसमें अरबी के अल्फाज होते थे, फारसी के अल्फाज होते थे, बहुत अरबी और फारसी से भरपूर होती थी। मौलाना की मादरी ज़बान आप सबको मालूम होगा अरबी थी, मौलाना की मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी। मौलाना की पैदाइश मक्के मुकरमा में हुई, उनकी वालदा एक अरब खातून थी, इसलिए उनकी बचपन की घर की ज़बान ही अरबी थी, और बाद में जब वो कलकत्ता उनके वालिद आए और वहाँ उन्होंने उर्दू फिर दोबारा से सीखी और पढ़ी। बहरहाल ये उस ज़माने के ज़बान का रिवाज भी था, और फिर मौलाना का अपना जो खसूसी अंदाज है उसमें जिस तरीके से अशार का इस्तेमाल करते थे, इंशा परदादी थी, ख्याल का इजहार था, आप लोग जो किसी भी तरीके से उसको सुनेंगे लुत्फानंदोज़ होंगे। और मैं समझता हूँ इस ड्रामे के ज़रिए मौलाना का जो अंदाज बयान है, जिसमें खताबत भी होती थी, जिसमें अपने बलागत भी होती थी, जिसमें लोगों को नसीहत भी होती थी, जिसमें लोगों को पैगाम भी होता था और उनका फ़लसफ़ा भी होता था, और गुबार खातिर जिसने पढ़ी होगी वो जानते हैं कि मौलाना ने एक एक चीज़, जब मौलाना ने सितार की बात करी है और किस तरीके से मौलाना ने सितार सीखा, मौलाना आज़ाद ने सितार बजाना शुरू किया, किससे सीखा, उस ख़ानदान में सीखा जहाँ पर म्यूज़िक और इस किस्म का काम बिल्कुल ममनू था। एक सख्त दकियानूसी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इजाज़त का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन पुराने ख्यालात का एक उनका ख़ानदान था, उनके वालिद पीरी मुरीदी, बहुत बड़े पीर और मुरीद, उनके हज़ारों और लाखों मुरीद होते थे। मौलाना खुद लिखते हैं कि बचपन से मुझे वो चीज़ें मिल गई कि लोग आते थे मेरा हाथ चूमते थे, मेरे सामने मौदबाना खड़े रहते थे, जब वो छोटे सी उम्र के भी थे, क्योंकि उनके वालिद बड़े पीर थे और वो पीरज़ादा थे, मौलाना पीरज़ादा थे। लेकिन बहरहाल उनकी शख्सियत का ये पहलू है कि उससे बाहर निकल के आए और फिर एक दूसरी तरफ उनका रुझान हुआ, जो बातें मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा, वक्त की किल्लत है, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि जिस तरीके से उन्होंने सितार सीखा उसी माहौल में और सितार बजाया, और जिसका उन्होंने बयान किया है कि ताजमहल में जाके उन्होंने सितार बजाया और एक ऐसी रात चुनी कि ताजमहल में उनको इजाज़त मिली कि बैठ कर उन्होंने सितार बजाया, और उन्हें लगा कि ताजमहल की मेहराबें जो हैं उतर के नीचे आ रही हैं, और जिस तरीके से उसका पूरा उन्होंने बयान किया है, ये मौलाना के कलम का ही जोर था, ये उनकी खिताबत थी, ये उन्हीं का इंशा परदाजी थी। मैं समझता हूँ ये ड्रामा आपको इन सब तरफ चीज़ों की तरफ तवज्जो मबजूज़ कराएगा। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो एक सियासी किताब है, गुबार खातिर सियासी किताब नहीं है, उसमें कोई सियासी मौजू नहीं है, उसमें जैसे बताया उनके सितार के बारे में है, उसके उनकी चाय बनाने के बारे में है, किस तरीके से वो चाय पी रहे हैं, किस तरीके से चाय दम करते हैं, क्या उसका बयान है। आपको एक जुमला मैं आपको अगर सुना दूँ तो सही में याद है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने चाइना से चाय बनाना तो इम्पोर्ट कर ली कि चाइना के लोगों कैसे चाय बनाते हैं और हम लोग भी पीते हैं, लेकिन किस तरीके से वो चाय पीते हैं वो हमने नहीं सीखा, हम उसमें भी बहुत पीछे हैं कि वो कैसे चाइनीज़ चाय पीते हैं। बहरहाल उनकी पसंदीदा चाय जैस्मिन चाय होती थी, जिसका उन्होंने गुबार खातिर में बड़ी तफसील से जिक्र किया है।
तो ये ड्रामा मुबारक खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम के ऊपर मबनी है, और इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो एक सियासी किताब है जिसमें हिंदुस्तान की उस जंग आज़ादी के बारे में जो कुछ मौलाना ने अपनी आँखों से देखा, इसमें शिरकत करी, जिसके वजनबरदार रहे, सिपहसालार रहे, उसका उन्होंने अपना बयान किया और उनका अपना बयान है। तो ये दो किताबें बिल्कुल अलग अलग पस मंज़र में लिखी गई हैं, अलग अलग उसके उनवानात हैं, अलग अलग उसमें शख्सियतें शामिल हैं, अलग अलग लोगों के बारे में जिक्र है। और दोनों जैसे गुब्बारे खातिर हम जानते हैं कि जब वो अहमदनगर जेल में थे और उस जेल के दौरान उनके पास वक्त होता था तो मौलाना खुद लिखते हैं कि हमेशा मैं कभी 3 बजे उठ जाता था, कभी 4 बजे उठता था और चाय बनाते थे और चाय सामने रखी होती थी और ये गुब्बारे खातिर के डिफरेंट उनवानात के ऊपर वो मजमून लिखते रहते थे। उनका तखय्युल था, उनका ख्याल था, लेकिन बहरहाल उनके बहुत सारे उसमें हमें जज्बात मिलते हैं, उनके ख्यालात मिलते हैं, उनकी फ़िक्र मिलती है। तो ये ड्रामा अपने इस अंदाज़ से मुनफरिद है कि ये तारीख का हिस्सा भी है और ये अदब का भी हिस्सा होगा। इसमें अदब के इंशा परदाजी की, उर्दू की आपको एक खुशबू मिलेगी और जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी है उसकी भी आपको एक बहुत बहुत वाज़ह शक्ल मिलेगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम आर्टिस्ट का इस्तकबाल करता हूँ, कॉमोडर साहब का और जो इसके डायरेक्टर हैं सईद आज़म साहब का, कि वो सफ़र करके यहाँ आए। और एक बात मैं आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे बहुत अफसर्दगी के साथ शेयर करना चाहूँगा, बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन हम आपको इसलिए बताएंगे कि इससे आपको टॉम ऑल्टर साहब की अजमत का अंदाज़ा होगा। अफसोसनाक खबर यह है कि कल टॉम ऑल्टर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ अमेरिका में, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने इस कमिटमेंट को रखेंगे और वो बावजूद इसके उनके फैमिली में ये बड़ा हादसा और सानिया हुआ। आप समझ सकते हैं कि वालदा माँ माता की क्या अहमियत होती है, लेकिन टॉम ऑल्टर साहब की ये बड़ी अजमत है, ये उनका कमिटमेंट है हमारे लिए, उर्दू के लिए, मौलाना आज़ाद के लिए, कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और उस गम और अफसोस के अपने हादसे के साथ साथ वो ये ड्रामा पेश करेंगे। इसलिए फरियाद साहब ने जो कहा है कि आप लोग भी इसको संजीदगी से सुनिए और उनके बहरहाल गम में हम शरीक हैं, दुआगो हैं उनकी वालदा के लिए, और आप सबसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा। बहरहाल मैंने इसका जिक्र इसलिए किया, हालांकि उनका ज़ाती मामला है, मैंने जिक्र इसलिए किया कि ये उनका बड़कपन हमको हमारे सामने जो आया उसके लिए हमारा सर एहसान से झुका हुआ है और हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। टॉम ऑल्टर साहब अगर तशरीफ़ रखते हैं और आ सकते हो तो मैं उनको यहाँ मधु करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ आपके सामने और हम उनको फूलों के गुलदस्ते से उनका इस्तकबाल करेंगे। और उनके साथ जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। वामिक ज़िया साहब, मैं जब तक वो तशरीफ़ लाते हैं मैं आपको अपने एक ज़ाती वाक़ा बताना कुछ, और आप जानते हैं ट्रेन का सफ़र होता है, शिमला की एक छोटी ट्रेन जाती है, और इत्तेफाकन ये हुआ कि मेरे बराबर की सीट पर टॉम ऑल्टर बैठे हुए थे और मैं वो पूरा लंबा सफ़र हम लोग साथ किया, उनको शायद याद भी ना हो, मुझे तो खैर याद है, और मैंने देखा कि वो पूरे सफ़र में जो किताबें वो पढ़ रहे थे वो तमाम उर्दू की किताबें थीं, वो पूरी मुस्तकिल उस पूरे सफ़र में उनके साथ उर्दू की किताबें थीं, वो उन्हीं को पढ़ रहे थे। तो उनको उर्दू ज़बान के ऊपर जो महारत है वो आप सुनेंगे, जो उनका तलफ़ुज़ है, जो उनका डायलॉग की डिलीवरी, मकाजमे की अदायगी का जो उनका अंदाज़ है वो आप देखेंगे और यकीनन उसको पसंद करेंगे। तो मैं आपके सबकी तरफ से और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से इस ड्रामा टीम का इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से क्योंकि आर्टिस्ट हजरात मेकअप में आ गए हैं और उन्होंने अपना लिबास तैयार कर लिया है तो वह उसी वक्त आएंगे जब स्टेज पर ड्रामा शुरू होगा, और मैं रजिस्ट्रार साहब से कहूँगा कि उस जिम्मेदारी बुके देने की वो उस वक्त निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन हजरात, इन अल्फाज के साथ मैं इस ड्रामे का इफ्तिताह करने का अपनी तरफ से ऐलान करता हूँ और इजाज़त चाहूँगा कि मैं यहाँ से आप लोगों से रुख्सत हो रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
जिसमें सियासत का दखल ना हो? क्या कोई अदीब एक ऐसी किताब लिख सकता है जिसमें अदब का गुजर ना हो? जी हां, ऐसा जरूर मुमकिन है, मगर सिर्फ मौलाना आजाद के कलम से। इनमें से एक किताब का नाम है, इनमें से एक किताब का नाम है गुबार खातिर, जो मौलाना आजाद ने 1942 से 1945 के दौरान अहमदनगर जेल में लिखी। दूसरी किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, जो मौलाना आजाद ने 1956-57 के दौरान लिखी। आइए दोनों किताबों के कुछ हिस्से सुनते चलें। कुछ मौलाना आजाद की जबानी, कुछ हुमायूं कबीर की जबानी। जी हां, हुमायूं कबीर एक जमाने में मौलाना आजाद के सेक्रेटरी, 1957-58 में आजाद हिंदुस्तान के सिविल एविएशन मिनिस्टर, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम को अंग्रेजी जावा पहनाया। इन दोनों किताबों में कुछ भी यकसा नहीं, वजह इसके कि इनका मुसन्निफ एक ही है, और इत्तेफाकन ही सही, दोनों ही 283 पन्नों की किताबें हैं, और दोनों ही किताबों को लिखे जाने के दौरान मोबाइल ईजाद नहीं हुआ था, और कैमरे वाला मोबाइल तो बिल्कुल ईजाद नहीं हुआ था। बराए मेहरबानी मोबाइल न सुने, दोनों किताबों के हिस्से सुने। किला अहमद नगर, 10 अगस्त 1942, सदीक मुकर्रम, 9 महीने हुए 4 दिसंबर 1941 को नैनी के मरकजी कैद खाने का दरवाजा मेरे लिए खुला गया था। कल 9 अगस्त 1942 को 2:15 बजे किले अहमदनगर की हिसार कोहना का नया फाटक मेरे पीछे बंद कर दिया गया। इस कारखाने हजार शेव और रंग में कितने ही दरवाजे खोले जाते हैं ताकि बंद हो, और कितने ही बंद किए जाते हैं ताकि खुले। 2 करवटें हैं आलम गफलत में ख्वाब की, 2 करवटें हैं आलम गफलत में ख्वाब की। लेकिन सोचता हूं तो ऐसा मालूम होता है जैसे तारीख की एक पूरी दास्तान गुजर चुकी, नई दास्तान जो शुरू हो रही है, मालूम नहीं मुस्तकबिल इसे कब और किस तरह खत्म करेगा। काम थे इश्क में बहुत परमीर, हम ही फारिग हुए शिताबी से, हम ही फारिग हुए शिताबी से। आई वॉज बॉर्न इन मक्का इन 1888। इन 1890 माई फादर केम टू कलकत्ता with the whole family. Some time back, he had fallen down in Jeddah and broken his shin bone. It had been said, but not well. And he was advised that the surgeons in Calcutta could put it right. He had intended to stay only for a short time, but his disciples and admirers
would not let him go. A year after we came to Calcutta, my mother died and was buried there. My father was a man who believed in the old ways of life. He had no faith in Western education and never thought of giving me an education of the modern type. He held that modern education would destroy religious faith and arranged for my education in the old traditional manner. میری پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو ان چشمہ بدلنا پڑے گا اپنے ہی لکھے جملے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں میری پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو علم کی بزرگی رکھتا تھا اس لیے خلقت کا جو ہجوم ہے خلقت کا جو حجوم و احترام آج کل سیاسی لیڈروں کے عروج کا کمال مرتبہ سمجھا جاتا ہے وہ مجھے مذہبی عقیدت مندوں کی شکل میں بغیر طلب و سعی کے مل گیا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ اس فضا سے بالکل الگ ہو جاؤں اور کوئی آدمی میرے ہاتھ پاؤں نہ چومے لوگ یہ کامیاب جنس ڈھونڈتے ہیں اور ملتے نہیں مجھے گھر بیٹھے ملی اور میں اس کا قدر شناس نہ ہو سکا In those days, the revolutionary groups were recruited exclusively from the Hindu middle classes. In fact, all the revolutionary groups were then actively anti-Muslim. They saw that the British government was using the Muslims against India's political struggle. And the Muslims were playing the government's game. East Bengal had become a separate province, and Mr. Bamfield Fuller, who was then Lieutenant Governor, openly said that the government looked upon the Muslim community as its favorite wife. When Shyam Sundar Chakravarti introduced me to other revolutionaries, and my new friends found that I was willing to join them, they were greatly surprised. At first, they did not fully trust me and tried to keep me outside their inner councils. In course of time, they realized their mistake and I gained their confidence. I began to argue with them that they were wrong in thinking that Muslims as a community were their enemy. I told them that the Muslims of India would also join in the political struggle if we worked among them and tried to win them as our friends. Maine chai ki latafat o shirini ko tambaku ki tundi o talkhi se tarkeeb dekar ek kaife murakkab paida karne ki koshish ki hai. Aap kahenge چائے کی عادت بجائے خود ایک علت ہے میں تسلیم کروں گا کہ یہ تمام خود ساختہ عادتیں زندگی کی غلطیوں میں داخل ہیں غور کیجئے وہ زندگی ہی کیا ہوئی جس کے دامن خشک کو کوئی غلطی تر نہ کر سکے وہ چال ہی کیا جو لڑکھڑاہٹ سے یکسر موسوم ہو اس روزگار خراب میں زندگی کو بنائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور کرنی چاہیے
कुछ जरूरत नहीं कि आप इस डर से हमेशा अपना दामन समेटे रहें कि कहीं भीग ना जाए, भीगता है तो भीगने दीजिए, लेकिन आपके दस्तबाजू में, आपके दस्तबाजू में ये ताकत जरूर होनी चाहिए कि जब चाहा इस तरह निचोड़ कर रख दिया कि आलूदगी की एक बूंद भी बाकी न रही। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। The government now felt that they could not stop my activities by using only the Press Act. Accordingly, they resorted to the Defense of India regulations. And in April 1916, externed me from Calcutta. The governments of Punjab, Delhi, UP and Bombay had already prohibited me from entering these provinces under the same regulations. The only place I could go to was Bihar, and I went to Ranchi. After another 6 months, I was interned in Ranchi and remained in detention till 31st December 1919. Qaid o band ki zindagi ka ye chhata tajruba hai. पहला तजुर्बा 1916 में पेश आया था जब मुसलसल 4 बरस तक कैदोबंद में रहा। फिर 1921, 1931, 1932 और फिर 1940 में यके बाद दीगरे यही मंजिल पेश आई। जिस कैदखाने में सुबह रोज मुस्कुराती हो, जहां शाम हर रोज पर्दे शब में छुप जाती हो, जिसकी रातें कभी सितारों की कंदीलियों से जगमगाती, मैं माफी चाहूंगा, जिसकी रातें कभी सितारों की कंदीलों से जगमगाने लगती हो, कभी चांदनी की हुस्न अफरोजियों से जहां ताब रहती हो, जहां दोपहर हर रोज चमके शफक, हर रोज निकले परिंद, हर सुबह शाम चहके, उसे कैद खाना होने पर भी ऐशो मसर्रत के सामानों से खाली क्यों समझ लिया जाए। अब मालूम हुआ कि अगरचे निगाहों और कानों की एक महदूद दुनिया खो गई है, मगर फिक्र और तसव्वुर की कितनी ही दुनियाएं अपनी सारी पिन्हाइयों के साथ सामने आ खड़ी हुई हैं। अगर एक दरवाजे के बंद होने पर इतने दरवाजे खुल सकते हैं तो कौन ऐसा ज्ञान अकल होगा जो सौदे पर गिलामंद हो। As the storms gathered on the international scene, a deepening gloom descended on Gandhiji's mind. Societies and individuals from Europe and America asked him to do something to avert the impending struggle. Pacifists all over the world looked to him as their natural leader in securing the maintenance of peace. Gandhiji's view was that India must not participate in the impending war in any circumstances, even if such participation meant the achievement of Indian freedom. I felt India must have no hesitation in aligning herself with the democratic powers. The question, however, was how could India fight for others' freedom when she was in bondage herself? For Gandhiji, the issue was one of pacifism and not of India's freedom. I declared openly
that the Indian National Congress was not a pacifist organization, but an instrument for achieving India's freedom. To my mind, therefore, the issue raised by Gandhiji was irrelevant. Zindagi ke 40 saal tarah tarah ki kaavishon mein basar ho gaye, magar ab dikha to maloom hua ki sari kaavishon ka hal iske siwa kuch na tha ki subah ka jaan faza waqt ho aur cheen ki behtareen chai ke pe dar pe finjaan. زندانیوں کے اس قافلے میں کوئی نہیں جو سحر خیزے کے معاملے میں میرا شریک حال ہو. سب بے خبر سو رہے ہیں اور اس وقت میٹھی نیند کے مزے لیتی ہیں. دنیا جب جاگتی ہے تو میں سو رہتا ہوں, دنیا جب سو جاتی ہے تو اٹھ بیٹھتا ہوں. اگر اس وقت کے سناٹے میں کوئی آواز مخل ہو رہی ہے تو وہ صرف جہاں لال کے ہلکے خراٹوں کی آواز ہے. جہاں لال کے خراٹے جب تھمتے ہیں تو وہ نیند میں بڑبڑانے لگتے ہیں. یہ بڑبڑانا ہمیشہ انگریزی میں ہوتا ہے. I may mention here that it was Gandhiji who first gave currency to the title Qaid-e-Azam or Great Leader as applied to Mr. Jinnah. Gandhiji had in his camp a foolish but well-intentioned woman called Antus Salam. She had seen in some Urdu papers a reference to Jinnah as Qaid-e-Azam. When Gandhiji was writing to Jinnah asking for an interview, she told him that the Urdu papers called Jinnah Qaid-e-Azam and he should use the same form of address. Without pausing to consider the implication of his action, Gandhiji addressed Jinnah as Qaid-e-Azam. Soon after, this letter was published in the press. When Indian Muslims saw that Gandhiji also addressed Jinnah as Qaid-e-Azam, they felt that he must really be so. When in July 1944, I read the report that Gandhiji was corresponding with Jinnah and going to Bombay to meet him, I told my colleagues that Gandhiji was making a great mistake. Later events proved that my apprehensions were correct. Jinnah exploited the situation fully and built up his own position. But he did not say or do anything which could in any way help the cause of Indian freedom. Falsafa shak ka darwaza khol dega aur phir اسے بند نہیں کر سکے گا. فلسفہ شک کا دروازہ کھل دے گا اور پھر اسے بند نہیں کر سکے گا. سائنس ثبوت دے دے گا مگر عقیدہ نہیں دے سکے گا. لیکن مذہب ہمیں عقیدت دے دیتا ہے اگرچہ ثبوت نہیں دیتا. لیکن مذہب ہمیں عقیدہ دے دیتا ہے اگرچہ ثبوت نہیں دیتا. By faith and faith alone, embrace believing where we cannot prove. انسان تن کر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کوئی ایسی چیز اس کے سامنے موجود نہ ہو جو خود اس سے بلند تر ہے. وہ کسی بلند چیز کو دیکھنے کے لیے ہی سر اوپر کر سکتا ہے. وہ کسی بلند چیز کو دیکھنے کے لیے ہی سر اوپر کر سکتا ہے.
دنیا میں وحدت الوجود یعنی کہ پینتھیزم کے عقیدے کا سب سے قدیم سر چشمہ ہندوستان ہے. لیکن پھر دیکھیے اسی ہندوستان کو اپنی پیاس اس طرح بجھانی پڑی کہ نہ صرف برہما کو ایشور کی نمود میں دیکھنے لگے بلکہ پتھر کی مورتیاں بھی تراش کر سامنے رکھ لی کہ دل کے اٹکاؤ کا کوئی ٹھکانہ تو سامنے رہے کہ دل کے اٹکاؤ کا کوئی ٹھکانہ تو سامنے رہے. The Simla conference marks a breakwater in Indian political history. This was the first time when negotiation failed, not on the basic political issue between India and Britain, but on the communal issue dividing different Indian groups. A retrospect into the history of the Muslim League is necessary in order to understand this change. The Muslim League was established in 1906 in Dhaka. The leaders of the League were naturally opposed to the demand for political independence raised by the Congress. They felt that if the Muslims joined in any such demand, the British would not support their claims for special treatment in education and service. The Muslim League entered into the second phase of its activities when it found that the government was compelled to introduce some reforms as a result of Congress pressure. The League still remained aloof from the political struggle. But as soon as any advance was made, it put in a claim on behalf of the Muslim community. This program of the Muslim League suited the government well. In fact, there are reasons to think that the League was acting according to the wishes of the British. Then came the third phase in the League's program during World War II. Congress had gained immensely in prestige and strength. It was now clear that the British government would have to recognize Indian freedom. Mr. Jinnah had now become the leader of the Muslim League and felt that he must take advantage of every difference between the Congress and the government. Qila hai Ahmednagar, 19 August 1942. وہی چار بجے صبح کا وقت ہے, چائے سامنے دھری ہے. جی چاہتا کہ آپ کو مخاطب تصور کروں اور کچھ لکھوں. یہاں پہنچنے کے بعد چند دنوں تک صرف جیلر سے ہی سابقہ رہا. ایک دو مرتبہ کلیکٹر اور سول سرجن بھی یہاں آئے. پھر جس دن انسپیکٹر جنرل آیا اس دن ایک اور شخص بھی اس کے ہمراہ آیا. معلوم ہوا میجر ایم سینڈک نام ہے اور یہاں کے لیے سپرنٹینڈنٹ مقرر ہوا ہے. میں نے جی میں کہا یہ سینڈوک بینڈوک کون کہے, کوئی اور نام ہونا چاہیے جو ذرا مانوس اور رواں. من حافظ نے یاد دلایا کہ چاند بی بی کے زمانے میں اس قلعے کا قلعہ دار چیتا خان نام کا ایک حبشی تھا. میں نے ان حضرت کا نام چیتا خان ہی رکھ دیا. ابھی دو چار دن بھی نہیں گزرے تھے کہ یہاں کے ہر شخص کی زبان پر چیتا خان تھا. قیدی اور وارڈر بھی اسی نام سے پکارنے لگے. کل جیلر کہتا تھا آج چیتا خان وقت سے پہلے گھر چلا گیا. میں نے کہا چیتا خان کون؟ کہنے لگا میجر آر کون. It would be appropriate at this stage to review once again the political situation in India.
When the Second World War broke out, a most remarkable change had, in the meantime, come over in all the public services. The defense forces had recruited during the war a large proportion of young men who came from different provinces and different social classes. The young men who had now joined the armed forces accepted the British at their word that after the war, India would be free. This belief had moved them to make great efforts during the period of hostilities. Now that hostilities were over, they expected that India would become free. All the three branches of the armed forces, the Navy, the Army, and the Air Force, were inspired by a new spirit of patriotism. When I went to Karachi, a group of naval officers came to see me. They assured me that if Congress issued the necessary orders, they would come over to me. If there was a conflict between the Congress and the government, they would side with the Congress and not the government. صدیق مکرم, صبح کے 3:30 ہیں. اس وقت لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو معلوم ہوا سیاہی ختم ہو رہی ہے. میں نے سوچا تھوڑا سا پانی کیوں نہ ڈال دوں. یکایک چائے دانی پر نظر پڑی. میں نے تھوڑی چائے فنجان میں انڈیلی اور قلم کا منہ اس میں ڈبو کر پچکاری چلا دی. پھر اسے اچھی طرح ہلا دیا کہ روشنائی کی دھوان پوری طرح نکل آئے. اور اب دیکھیے